गरीब की समस्या सरकार द्वारा उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर के मौके पर जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत करीब 8.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, ताकि इन योजनाओं के जरिए जिले के तस्वीर बदलने के साथ साथ उन गरीब कामगार प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मुहैया करा उनकी बेपटरी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाया जा सके। बताते चले कि जिले के चौसा प्रखंड में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में जिलाधिकारी अमन समीर के पहुंचने के साथ ही वृक्षारोपण कर स्वच्छता को लेकर कचरा प्रबंधन विशेष बल देते हुए वहां उपस्थित पंचायत वासियों के बीच डस्टबिन का वितरण कर स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए जल संरक्षण एवं जल स्वच्छता का संदेश भी दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जिले में 312 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी कुल राशि लगभग 8.5 करोड़ की है। इस योजना को गरीब प्रवासी कामगार मजदूरों को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों के कार्य को मूर्त रूप दिया जाएगा, ताकि इन गरीब प्रवासी कामगार मजदूर रोजगार मुहैया करा उनकी समस्याओं से निजात दिलाया जा सके। संजय उपाध्याय के साथ गुड्डू आज़ाद की रिपोर्ट, CNB न्यूज, बक्सर। शहर की तरह जो कचरा प्रबंधन का जो एक कार्यक्रम है उसको पायलट बेसिस पे हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो इसका एक शुरुआत था। और साथ ही साथ जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत कुल जो है हम लोगों का 312 योजनाओं को हम लोगों ने शुरू किया है, उसका जो राशि है वो लगभग 8.5 करोड़ की है। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो हमारे बाहर के लोग आए हुए हैं, बिल्कुल हम लोगों का प्रयास उसी में है कि जो बाहर से आए हैं उनको भी रोज़गार मिले, जो यहाँ के हैं उनको भी रोज़गार मिले। एक कॉमन प्रश्न यही बैठता है और सभी लोगों को ये पूछना चाहिए कि क्योंकि काम का अगर रेट अगर सेम रहे तो हम लोग सभी लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते हैं। तो एक प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि जो काम हम लोग अगर एक साल में करेंगे तो उसको हम कम समय में करके ज़्यादा लोगों को लगा के हम लोग काम करें। तो एक प्रयास सिर्फ यही किया जा रहा है कि बहुत सारी योजनाएँ जो मार्च अप्रैल तक ख़त्म होने वाली थी उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अक्टूबर तक उसको हम लोग ख़त्म कर दें। सर, जिनके है पंचायत पर निर्णय दिया जाएगा कि वो क्या करेंगे उसको।